यह है मेरा YouTube चैनल CSP रिजवान, इसको आप सब YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसका नेक्स्ट टॉपिक है संयुग्मी पर आधारित, कॉन्जुकेट पर आधारित, संयुग्मी पर आधारित, ठीक है। संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट, मतलब विपरीत चिन्ह वाले से ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। आप करने को तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको वो नहीं बताएंगे। आप सीधे विद इन 3 सेकंड में सीधा आंसर निकालोगे। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जब सीरीज चले तो इसका आंसर होता है 2 ऑफ ए प्लस बी अपॉन डी, 2 ऑफ ए प्लस बी अपॉन डी, जहां डी होता है डिफरेंस, ठीक है, ए और बी के बीच में डिफरेंस, 2 ऑफ ए प्लस बी अपॉन डी, डी फॉर डिफरेंस। नेक्स्ट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूल पर सवाल बनता है, विशेष रूप से ध्यान से देखना। और इसके बराबर होता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ध्यान देना ऊपर वाले में स्क्वायर नहीं है, जब स्क्वायर हो जाएगा तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2। जैसे उदाहरण के लिए हम दो सवाल करेंगे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इन दोनों पर होल स्क्वायर लगा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार इस पर स्क्वायर चढ़ा है, ठीक है। बताइए इसकी शक्ल किससे मैच हो रही है, ऊपर वाले या नीचे वाले से, ठीक है, नीचे वाले से। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे 5 है और बी की जगह पे 3, कुछ करना ही नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, 5 प्लस 3 8 का होल स्क्वायर कितना हो गया 64, में से 2 घट जाएगा 62, ठीक है। तो 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2 होगा 62 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है करणी की तुलना पर आधारित, करणी की तुलना पर आधारित, करणी की तुलना, करणी की तुलना कैसे करेंगे देखते हैं। इसका अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्यू ऑफ अंडर रूट 4, क्यू ऑफ अंडर रूट 4, 4 ऑफ अंडर रूट 6, 6 ऑफ अंडर रूट 15, 12 ऑफ अंडर रूट 245, ठीक है। इसकी अपन को तुलना करनी है q ऑफ अंडर रूट 4, 4 ऑफ अंडर रूट 6, 6 ऑफ अंडर रूट 15 और 12 ऑफ अंडर रूट 245। इसकी अपन को तुलना करनी है कि कौन सी करणी सबसे बड़ी है, अपन को बताना सबसे बड़ा, ठीक है, बताएं कौन सा बड़ा है। तो करणी का बिल्कुल देख के आप पता नहीं कर सकते हो, करणी में आपको करनी पड़ेगा। करने का तरीका क्या, वो देखते हैं, जो करणी में लिखा है उसको लिख देते बटे में, 4 की पावर हो जाएगा 1/3, 6 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/6, 245 की पावर 1/12, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, करणियों की तुलना तभी हो सकती या तो आप आधार को बराबर बना लो या फिर पावर को बराबर बना लो। इसको करने के लिए करना क्या है, 3, 4, 6 और 12, इसका लेंगे एलसीएम, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम होगा 12 और 12 समय क्या कर देंगे अपन, गुणा,
गुणा करते ही आपके सामने रास्ते खुल जाएंगे। तीन चौको 12, चार तिया 12, छह दूनी 12, 12 से 12, ठीक है। सबसे सरल तरीका है ये, करणियों की तुलना का सबसे सरल तरीका है। 4 की पावर 4, 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256, 256। 6 की पावर 3, 6 छिंग 36, छिक्का 216, 216। 15 की पावर 2, 15 का स्क्वायर होता 225, 225। और 245 की पावर 1, मतलब 245। बताएं कौन सबसे बड़ा है? सीधी बात है, 256। 256 सबसे बड़ा, मतलब अपना आंसर क्या होगा? क्यू ऑफ अंडर रूट 4 सबसे बड़ा, क्यू ऑफ अंडर रूट 4, ठीक है।